उत्तर प्रदेश का विपक्ष लगभग और उनका जो गठबंधन था वो टूट चुका है, लेकिन टूटने के बाद अब लगातार जो बयान है वो एक दूसरे के ऊपर कसे जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की तरफ से और उनके नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने चुनाव के समय प्रत्याशियों को पैसे के बल पर टिकट दिया था, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर और उनकी सिक्योरिटी उन्हें इसीलिए मिली क्योंकि वो बीजेपी की तारीफ करते हैं। हमारे साथ सीनियर नेता स्वयं प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। सर, लगातार अब ओम प्रकाश राजभर और उनके नेता जो हैं वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं अखिलेश यादव के ऊपर और समाजवादी पार्टी के ऊपर, क्या कारण होता है? देखिए, अगर कोई उछल कूद में बहुत माहिर हो तो स्वाभाविक रूप से वो स्थिर तौर पर कहीं भी रुक नहीं सकते हैं। ये पहले भाजपा गठबंधन में थे, उसे भी छोड़ा तोड़ा, फिर सपा गठबंधन में आए, उसे भी छोड़ा तोड़ा, बात बसपा में जाने के कह रहे थे, बसपा की तरफ से नो एंट्री का फरमान जारी हो गया। तो स्वाभाविक रूप से आज वो स्वयं हंसी के पात्र बन रहे हैं, तो उन पर तो हमें तरस आता है कि इतना बड़ा सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया, मनचाहा टिकट दिया, भाजपा गठबंधन से ज़्यादा सीटें भी ये जीते, भाजपा गठबंधन में इनके 4 विधायक थे, सपा विधायक में इनके 6 विधायक हैं, तो सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी अगर उन्होंने गठबंधन तोड़ा है तो उन्हें मुबारक। अच्छा, कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी वजह से भी काफ़ी कुछ खलल मची हुई है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी से जब से आप अलग हुए हैं तब से आप भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी हो गए हैं, जांच पड़ताल आपकी भी चल रही है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार का आरोप कभी लगा ही नहीं सकती, और जिस प्रकरण का हवाला दे रहे हैं उस प्रकरण के एक आरोपी को बता रहे हैं कि हमारा निजी सचिव या पीआरओ, जबकि निजी सचिव और पीआरओ दोनों की तैनाती सचिवालय प्रशासन करता है, और उन दोनों का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है। तो किसी की बला दूसरे के गले में डालने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ेगी, सच को आँच नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य की इतनी लंबी राजनीति में हद तक कोई उंगली नहीं उठा सका। आखिरी सवाल मेरा ये है कि 24 के लिए क्या रणनीतियां तय हो रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट में अपना प्रशिक्षण शिविर चला रही है, प्रदेश अध्यक्ष ढूंढ रही है, समाजवादी पार्टी में आप हैं, आपके ऊपर अहम जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, क्या लगता है कि किस तरह से आप लोग 24 में टक्कर दे पाएंगे? देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में लगी हैं, करना भी चाहिए। और रही बात चुनाव की रणनीति क्या होगी, तो रणनीति रणनीति होती है, उसका खुलासा नहीं होता। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ओम प्रकाश राजभर पहले भाजपा में थे, फिर उनकी बुराई करके सपा में आए, और सपा में जो इज्जत उन्हें मिली वो भाजपा में भी नहीं मिली थी, लेकिन उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदों को देख करके एक बार फिर से जो पलटवार है वो करने में लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश का विपक्ष किस तरफ कितना मजबूत दिखाई देता है। कैमरा पर्सन दीपा के साथ मैं नितिन पांडे।